फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम ये डिजाइनर थंब वाली सॉक्स बनाने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इसको। फ्रेंड, ये 40-40 फंदे मैंने दो पार्ट में बना रखे हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 सात धारियाँ इसकी बनाई हुई हैं, साथ ही इसकी बनाई हुई हैं। इसकी 8 भी हमने अब बनाने जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 धारियाँ इसकी बनाते हुए इधर आ रहे हैं हम, और इसकी साथ ही है यहाँ कंप्लीट, 8 इसके साथ हो जाएगी। यहाँ पे इसको हम इस तरह से जॉइंट करेंगे और पूरी सिलाई इसी तरह से बना देंगे। इसके बाद फिर एक उल्टी सिलाई पूरी सारे फंदों को बनाएंगे, 80 फंदों को इस तरह से। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ तक मैंने बना लिया है। ये वाला कलर लगाएंगे हम, तो देखिए किस तरह से कलर लगाएंगे और किस तरह से डिजाइन बनाएंगे। एक फंदा हमने उतार लिया, अब इस वाले फंदे पे हमने 1 के 3 फंदे बनाने, 1 2 और 3। फिर एक फंदा उतारेंगे, फिर 1 के 3 बनाएंगे। अब लास्ट तक फ्रेंड हम इसी तरह से 1 के 3 बनाएंगे, एक फंदा उतारेंगे और 1 फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। इस तरह से हमें पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट कर देंगे, और फिर उल्टी सिलाई आपको आगे बनाना बताऊंगी किस तरह से हमने फिर उल्टी साइड पे इसको बनाना है। तो आप तब तक ये बना लेती हूँ मैं पूरी सिलाई। इस तरह से 1 फंदा उतारेंगे और 1 का 3 बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये पूरी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम उल्टी साइड पे हैं, तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। उल्टी साइड से हम सीधी साइड को बनाएंगे इस तरह से। ये फंदा उतारा, ध्यान से देखिए फ्रेंड इस वाले डिज़ाइन को, और ये जो 3 फंदे हैं इनका हमने 1 बना देना है और बनेगा सीधी साइड को। 1 फंदा उतारा, 3 फंदे का 1 बनाया, फिर वो फंदा उतारा, धागा पीछे ही रहना है, 3 का 1 1 उतारा, 3 का 1 1 उतारा, 3 फंदे का 1 बना दिया, 1 उतार दिया उतरा हुआ फंदा। अब पूरी सिलाई हम इसी तरह से बना देंगे। सिर्फ दो दो सिलाइयों का ये डिज़ाइन है, दो ही सिलाइयों में बन के आ जाता है। देखिए डिज़ाइन हमारा बन गया है। अब इसके बाद जो हमने बेस कलर लगाया, अब इसकी हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 सीधी 1 उल्टी। ये वाली पूरी सिलाई हम सीधी लगाएंगे, इसके बाद फिर हम 1 उल्टी लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, सीधी सिलाई लगा दी है मैंने। अब इसके बाद हम ये वाली सिलाई पूरी उल्टी लगाएंगे। ये उल्टी लगाने के बाद सीधी साइड से हम फिर दूसरा कलर लगाएंगे। फ्रेंड ये देखिए, ये 2 सिलाइयाँ मैंने इसकी प्लेन प्लेन बना ली है। अब इसके बाद हम फिर से वैसे ही बनाएंगे, जिस तरह से हमने ए वाला डिज़ाइन बनाया उस तरह से हम दूसरा कलर बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 1 के 3 बनाएंगे, पूरी सिलाई इसी की इस तरह से बनाएंगे पूरा डिज़ाइन। दो दो सिलाइयों का ये डिज़ाइन है फ्रेंड, इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। देखिए इसके बाद देखिए, 1 2 3 4 5 बार बनाने के बाद, 1 2 3 4 5 डिज़ाइन बनाने के बाद फिर मैं आगे बताऊंगी किस तरह से हमने फंदे बंद करने हैं और ये वाला डिज़ाइन बनाना है। ये मैं बना लेती हूँ जब तक यहाँ तक। फ्रेंड ये देखिए, 1 2 3 4 5 5 बार मैंने डिज़ाइन बना लिया है। ये देखिए 1 2 3 4 5, अब 5 बार देखिए किस तरह से करेंगे हम इसको।
इसके बाद फ्रेंड देखिए, अब इसके बाद हमने ये 38 फंदे इधर करने हैं, 38 इधर, और बीच के इन चार फंदों पे हम अब फंदे कम करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे हम, दो फंदे का एक करेंगे, फिर दो फंदे का एक इस साइड से करेंगे और बाकी सभी फंदों को सीधा बना देंगे। फिर एक बार फिर हम उल्टी साइड पे फंदे कम करेंगे। इस सिलाई में बना लेती हूँ, फिर उल्टी साइड पे बताती हूँ। अब उल्टी सिलाई पे देखिए फ्रेंड, 38 फंदे हमने इधर बनाएंगे, 38 इधर बनाएंगे, और बीच के जो दो हमने दो दो के चार बना रखे थे उन दो को हम एक बना देंगे इस तरह से, ये देखिए। और बाकी 38 फंदों को उल्टा ही बना देंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ तक बना लिया मैंने, ये दो फंदों का एक बनाया है, इसके दोनों साइड अब हमने दो दो फंदे का एक एक बनाना है इस तरह से। ये देखिए दो फंदे का एक बनाया, बीच वाला फंदा सीधा बनाया जिसके हमने दो का एक बना रखा था, और इस वाले को भी इधर से ये देखिए दो फंदे का एक बना देंगे। अब देखिए इस वाले फंदे पे हम एक का तीन बनाएंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर एक का तीन बनाएंगे, और सारी पूरी सिलाई इस तरह से बना देंगे लास्ट तक। फिर फ्रेंड ये देखिए अगली सिलाई पे, अब फिर से हम ये देखिए इन दो फंदों का एक बनाएंगे पहले, फिर बीच में सीधा बनाएंगे, फिर इन दो फंदों का बनाएंगे। ये देखिए दो फंदे का एक बनाया, अब इस तरह से हम ऊपर तक बनाएंगे, दोनों साइड से इसी तरह से दो दो फंदे कम करते जाएंगे इसमें, देखिए। अब बाकी सभी फंदों को सीधा बना देंगे, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी, उसमें हमने कोई फंदा कम नहीं करना है। ये देखिए यहाँ से हमारे फंदे कम होना स्टार्ट हो गए हैं। तो जिस तरह से हमने ये वाले कलर लगाए हैं, इसके बाद ये, फिर ये, फिर लास्ट में हम ये वाला कलर लगाएंगे, और उसके बाद फिर फंदे बंद करना। आगे बताऊंगी मैं किस तरह से आगे हमने बॉर्डर बनाना है। फ्रेंड ये डिज़ाइन मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, देखिए। अब इसके बाद हम ये 60 फंदे हैं हमारे, तो 60 फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे इस तरह से, धागा आगे करके सीधी साइड को इस तरह से इन 60 फंदों को उल्टा बना देंगे। इस तरह से दोनों साइड से इसको उल्टा उल्टा बना देंगे। ये हम 6 सिलाइयाँ लगाएंगे, देखिए इस तरह से 1 2 3, और फिर चौथी बार इसको बंद कर देंगे। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बंद करना है इसको। फ्रेंड ये देखिए तीन धारियाँ मैंने बना ली हैं, अब चौथी पे हम उल्टी साइड पे हैं। अब उल्टी साइड से हम सभी फंदों को बंद कर देंगे, एक फंदा बनाएंगे, पीछे वाला इसके ऊपर से उतार देंगे, फंदा बनाएंगे, पीछे वाला इसके ऊपर से उतार देंगे, और सभी फंदों को, 8 फंदे हमारे, सभी फंदों को इसी तरह से बंद कर देंगे हम। इसके बाद फ्रेंड मैं आपको ये सिलना बताऊंगी किस तरह से हम इसको सिलेंगे। मैं बंद कर लेती हूँ और उल्टी बाहर की साइड, और देखिए यहाँ से 10 फंदे छोड़ के यहाँ से इसको सिलेंगे। यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे हम इसको, एक फंदा इधर का, एक इधर का, और ऊपर तक सिल देंगे इसको लास्ट तक। ये मैं सिल लेती हूँ और लास्ट में दिखाती हूँ आपको लास्ट वाला किस तरह से सिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड हम सिलते हुए यहाँ तक आ गए, और यहाँ भी हम इसी तरह से सिल देंगे, एक फंदा इधर का और एक इधर का लेते हुए।
तरह से सभी बंदों को हमने सिल दिया है। अब हम यहाँ एक जगह पे इसको टाइट सा बंद कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड, इसके बाद हमें अंगूठे सिलेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे इसको और एक कोने से स्टार्ट करके दूसरे कोने तक इसको सिलेंगे। एक फंदा इधर का, एक इधर का, देखिए फ्रेंड, यहाँ तक हमने सिल लिया है। अब इन धागों को हम अच्छे से कट कर देंगे, फिर इसको सीधा करेंगे। फ्रेंड ये देखिए, इसका फाइनल लुक है, बहुत ही सुंदर बन के आई है ये देखिए। तो फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।